गाइस हम जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि हमारा प्लान बन चुका है रैंडम, और इतने दिन के बाद फाइनली डिसाइड हो गया कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जो एग्जैक्टली डिसाइड अभी नहीं हुआ है वैसे, पर हमने को सोचा कपड़े तो खरीद ही लेते हैं। हमने सोचा है कि भाई शौक बहुत बड़ी चीज है, तो पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं फिर सोचेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। और बिल्कुल एकदम शाम हो चुकी है, 5:30 हो रहा है, हम आप निकले शॉपिंग करने। पहले कब तक आएंगे? अपना न्यू ही है, इनका न्यू ही है। यार इधर लाइट आ रही है, अच्छी नहीं आ रही वीडियो। 2000 years later. Hi guys, finally हमारा प्लान बन गया है, हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, और उसके आगे देखते हैं, उसके आगे हम मनाली भी जाएंगे। तो अभी देखते हैं, पहले हम चंडीगढ़ पहुंच जाए फिर सोचेंगे कहाँ कहाँ जाना है। तो हम स्टार्टिंग करने वाले पैकिंग, और ये प्लान हमारा 4th time बना है, और बस भगवान ऐसा करे कि ये 4th time कैंसिल ना हो, क्योंकि अब तक के सारे प्लान हमारे कैंसिल हो गए हैं। लेट्स प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट। हर हर महादेव। फाइनली हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है और हम जा रहे हैं, मतलब हम निकल चुके हैं, और हमने करा ली टंकी पूरी फुल। और ये देखिए हमारे हीरो को, अभी हम पहुंच गए हैं मुरथल, जो हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन था, हम हमेशा ही पहुंच जाते हैं। अभी हमने पार हो गया, हमने पार कर दिया भाई, इतना ट्रैफिक था, पर हम ऐसे से निकल के पहुंच गए हैं। और मैंने बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी सी गाय देखी, जिसकी मैं वीडियो बना रही थी, पर मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैंने एसी ऑन कर दिया, सबका चल रहा है गाड़ी में एसी है, और मैंने उसको करके और उसकी क्या क्या नहीं ऑन किया था, मैंने शटर भी ऑन कर दिया दिमाग लगा के। मैंने कहा चलो भाई ऐसे ऑन होता है, जो आगे स्विच था ना वो स्विच ही ऑन नहीं कर रखा, इतने घंटे हो गए। मैं सोचा भाई अरे जो भी है, स्विच शटर एक ही बात है, आप लोग समझ जाओ ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, पर मैं बता रही हूँ मैंने क्या करा है। और अभी मुझे लगा मैंने वीडियो भी ऑन नहीं करी, तो ऑन थी और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई, मेरे तो उल्टे काम ही है सारे। गाइस देख रहे हो, खुशी देख रहे हो आप मेरी घूमने जाने की। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भाई, क्या है ये मैकडी भाई, बोल दे यहाँ से ऑर्डर करना है। अब हम ऑर्डर करके आते हैं गाइस, ये हम ड्राइव थ्रू में आ गए हैं। ओ ओ फोन भी गिर गया, मेरे को खाना है, मेरे को एक मिनट गाइस, पीछे ऑर्डर देना था, आगे आगे सारे उल्टे पुल्टे काम ही हो रहे हैं आज तो। और अब पीछे गाड़ी भी आ गई, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आगे पीछे लिखा ऑर्डर है, आगे लिखा पे है, और ऑर्डर करने के लिए तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे, कोई इंसान भी नहीं था और कोई मशीन भी नहीं थी, पता नहीं क्या है। यहाँ पूछो क्या सिस्टम है, हमारा सिस्टम हैंग हो गया गाइस। आए तो थे हम मैकडी, पर यहाँ लग रहा है हम मैं तो अंदर ही बैठ जाएंगे, स्मार्ट बनने के चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, अब अंदर ही बैठना पड़ेगा फिर भाई। एक थोड़ी नहीं है, एक तो नहीं है, पर जब हम बीच में फंस गए इसका क्या करें, कहाँ से बाहर जाएंगे हम, तो अटक गए यहाँ पे भाई। यहाँ पे हेयर है, हमने ऑर्डर तो दिया नहीं, लेंगे क्या यार ऑर्डर का, क्या सीन था पूछूं? बोलो गाइस हमसे नहीं हुआ ऑर्डर, हमने करा ही नहीं, हुआ क्या नहीं, वो ये पीछे जो आ रहे लड़के इन्होंने भी नहीं करा, सब लाइन लगा, हम इधर नहीं आता, हमें उधर जाना था रेस्टोरेंट में बैठने के लिए अंदर, हम इधर गलत आ गए। ड्राइव थ्रू से पूछना पड़ेगा, पूछो भाई यहाँ पे हेयर है, ये तो अलग ही कंटेंट जा रहा है, सोचा तो सही हो कह रहा है। ये देखो गाइस हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है,
और अगर आप कभी भी ऐसे ड्राइव थ्रू में जाते हो तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना मशीन को देखे, जैसे मैं हो गई थी या हम हुए थे। और वहाँ पे ऐ भी लिख रखा है ऑर्डर हेयर, ऑर्डर तो यहीं हुआ जहाँ पे हेयर था, तो फिर हमने ऑर्डर कर दिया और अब हमारा ऑर्डर आया नहीं है और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग गई है, लगता है मैकडी की, लाइक मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मैकडी की फैन फॉलोइंग देखो कितनी हो रही है और पूरी लाइन लगी हुई है। जल्दी चलो, हमारा नंबर आ गया गाइस, मेरा ऑर्डर आ गया, आवर ऑर्डर इज हियर। ओ माय गॉड, विदाउट आइस भी इतनी कोल्ड कॉफी कोल्ड हो रही है, अभी निकाला है। वैसे कोल्ड कॉफी तो कोल्ड ही होगी, मैं इसे क्या कहाँ रखूँ, मैं कैसे करूँ, देखो भाई सेम है। हाँ, देखो ये लड़के, हमने सेम ऑर्डर किया बर्गर, पर यहाँ पे देखो बर्गर का सिलेक्शन चल रहा है। हाँ, क्यों ये वाला मैं क्यों लूँ और वो आप क्यों लोगे, है? मैं वो देख रहा था, इसमें यार म्यूनिस कम है ना। अच्छा, कितने तेज आदमी है ये का, देखो सामने ट्रक वालों से बात कर रहा है, ऑटो वाले ट्रक वालों से। आज क्या है भाई, सबने पीले कपड़े पहने हैं क्यों? अरे यार वीडियो लाइव है ना गाइस, यहाँ पर देखे मेकअप होते हुए दिख रही है, दिख गई। कहाँ से दिख रही हूँ? शीशे में। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, चंडीगढ़ में पहाड़ भी है, है? नहीं, मतलब मैं सोच रही तब से ये धुआं धुआं से क्या दिख रहा है ऊपर। अरे हम तो किन्नौर में ही है, किन्नौर है ये। वाओ गाइस, चंडीगढ़ में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रक रखे हैं। अभी दिख नहीं रहा, बस मेरी एक्साइटमेंट देख लो, पहाड़ देख। गाइस चंडीगढ़ में पहाड़ भी है अभी पता चला मुझे नहीं पता, आपको पता, आपको तो पता ही होगा, आप तो आते रहते हो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ चंडीगढ़, पहले ना मैं बहुत, मुझे मतलब चंडीगढ़ ना बहुत पसंद है, क्यों पसंद है पता नहीं, शायद गाने वाने देख के या पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बहुत मन था कि मैं चंडीगढ़ जाऊँ। और फिर अब मेरे तो सारे रिश्तेदार यहीं हैं ससुराल की साइड के चंडीगढ़ में, तो भैया ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। और मेरे को पहाड़ देख के इतनी खुशी हुई है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं, उत्तराखंड में तो चलो पहाड़ दिखते ही हैं तो वहाँ तो मुझे खुशी होती थी। ऐसी पता है, मैं एक बार मामलों के साथ हरिद्वार गई थी, है, और जब मैं वहाँ गई ना हरिद्वार, तो हरिद्वार में बहुत कम पहाड़ है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ वाला पहाड़ देखा ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसी एक्साइटमेंट हुई थी, अरे वो पहाड़। अच्छा, तो मैंने भी जो दिखा रही थी ना वीडियो में, वो पहाड़ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो ये पहाड़ दिख क्यों नहीं रहा, ये दूर है हमसे बहुत भाई, धुंध में है वो, अभी कैसे दिख जाएगा, धुंध कैसे आ रही है इस टाइम पे, धुंध तो होनी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही, तो धूप आ रही है उधर, तो धुंध है। देखो जो भी रीजन है, ये पहाड़ कहाँ का है, चंडीगढ़ का है? नहीं, फिर ये शिमला का है भाई, चंडीगढ़ शिमला का पहाड़ यहाँ दिख रहा है, उसके परली साइड शिमला है, यहाँ के पटली साइड शिमला है, तो वहाँ का पहाड़ दिख रहा है हमें, यार तो बड़ा सही है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, वैसे आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको चंडीगढ़ के रोड पे आना पड़ेगा, तभी आपको शिमला का पहाड़ दिखेगा। यार ये विंडो खोल के ना आवाज नहीं आ रही होगी, है ना, तो अब जो पहाड़ तो दिखा नहीं, फोटो वोटो दिखा दूंगी। गाइस हम बस पहुंच रहे हैं रिम्पी दीदी के घर, अब मैं आपको सबसे मिलाऊंगी, दीदी से, जीजा जी से और अंशु और शुभू से, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। कुछ बोलोगे आप, कहाँ गए, बोलो भी, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो खत्म थोड़ी है, एक ही डायलॉग लाने इनको, तो ये एक ही डायलॉग बोलते रहते हैं। ओके गाइस, यार इन चंडीगढ़ का आए जी, अरे चंडीगढ़ के पहाड़ मतलब शिमला के जो चंडीगढ़ से दिख रहे हैं, और मुझे तो ये चंडीगढ़ बिल्कुल मेरी नानी के घर वैशाली की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा आपको? देखो ऐसे फ्लैट है वहाँ पे, जीरकपुर है, जीरकपुर में, ऑल ओवर हम चंडीगढ़ में, वो एक ही बात है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ है, पर हाँ इसको देख के मुझे ऐसी फील आ रही है नानी के घर वैशाली वाली, सेम दिखते ऐसी है, वहाँ आनंद विहार में है ना, आनंद विहार से भी ऐसे फ्लैट दिखते हैं वैशाली के, जीरकपुर सिटी, मैं सही ना मेरे उसका जीरकपुर ही है ये, तो इतना छोटा दिख रहा है, यार इतना बड़ा दिख रहा है, उनके घर से टच उंगली कर सकती है तो टच,
मतलब ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। उंगली कैसे टच कर सकती हूँ मैं एयरप्लेन पे? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। गाइस अब यार कैसे कैसी बातें कर, रुक जाओ गाइस, हम आ गए। कौन सी मार्केट है ये? सेक्टर 21। ये अंशु, ये शुभम। तो यार हम तो YouTube में आने वाले हैं। तुम YouTube आने वाले हो? मेरे कितने हैं? मेरे 1000 सब्सक्राइबर देख रहे हैं यार। इस लड़के पे फोकस करो, ज्यादा व्यू मेरे को मिले, ज्यादा व्यूज को मिलने चाहिए। ये मेरे भांजे हैं जो मेरे से भी बड़े बड़े से हैं। मम्मी जरूर डालना है, बहुत बंदे देखते हैं आपके व्लॉग्स हैं। और मैं चक्कर डालना, देखना बिल्कुल मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, देखना सभी अच्छे लग रहे हो। कैमरा मैं तो लग रहा हूँ यार, ये डॉगी कितना क्यूट है, कैसे सो रहा है? अगर नहीं बताओ आप समझ, तो पंजाबन गोला खाती हो? मैं सब खा लेती हूँ, मेरे कोई ड्रामे नहीं है। पर पहले कुछ मिर्ची खाएंगे। खाने वो बताओ, मोमोज लेने स्पाइसी किस पे है? चिली स्पाइस रियल खाने? मैं सिंपल मोमोज, स्टीम मोमोज खाने। स्टीम खाने आपने? बड़ी अच्छी मार्केट है, बिल्कुल वैशाली बोल रही थी मैं, सेक्टर 4 की तरह लग रहा है। सब ले लो मोमोज।